Good morning students. Today motional electromagnetic force. <coughs> Malijay, we have given this uniform magnetic field. This uniform magnetic field perpendicular to the perpendicular to this plane of the blackboard. And this PQRS is a rectangular conductor on which the straight conductor. एस मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर मूव कर रहा है इस ढंग से मूव कर रहा है कि यह मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड तो इस बात को जरा लिख लीजिए कंसिडर कंसीडर ए रेक्टेंगुलर rectangular conductor conductor p q r s conductor p q r s conductor p q r s placed in यूनिफार्म यूनिफार्म मैग्नेटिक फील्ड बी नाउ द कंडक्टर नाउ द कंडक्टर द कंडक्टर पी क्यू मुफ्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड स्मॉल भी ऑन द आर्म एस एम एंड आर एन आई सोन इन फिगर आई सोन इन फिगर ठीक है जो कंडक्टर है आर्म पर किस स्पीड से मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अब देखिए यहां से सपोज मान लीजिए यहां से यहां तक यहां से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है जो कंडक्टर है वो कितने डिस्टेंस पर है बच्चों पी क्यू था जो कंडक्टर पी क्यू है वो कितने डिस्टेंस पर है कंडक्टर पी क्यू कितने डिस्टेंस पर है यह एक्स डिस्टेंस पर है मान लीजिए कंडक्टर एक्स डिस्टेंस पर है द कंडक्टर पी क्यू इज एट ए डिस्टेंस एक्स इफ द कंडक्टर इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम फ्रॉम द आर्म एसआर ए सबसे एक्स डिस्टेंस पर है देन जो वेलोसिटी है भी को आप क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं आप डीएक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज नोन एज स्पीड तो भी की जगह पर आप लिख सकते हैं डीएक्स बाई डी टी तो वीडियो पॉज करके पूरी बात को आप लिख लीजिए पहले भी एक्स मतलब डीटी समय में ये आर्म कहां चला गया है डी समय में ये आर्म ये पी क्यू से इसका पोजिशन थोड़ा चेंज हो गया ये जो आर्म है पी क्यू से कहां चला गया पी डैश क्यू डैश पर चला गया कितना डिस्टेंस गया है ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस गया डेल्टा एक्स डिस्टेंस गया और टाइम कितना लगा डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस जाने में डेल्टा टी टाइम लगा हुआ इसलिए भी को हम लिखे हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी को आप लिख लीजिए डेल्टा एक एक्स बाई डेल्टा टी लिख लीजिए तो आप सुनिए देखिए बच्चों नाउ शुरू में फ्लक्स कित, कितना था द मैग्नेटिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एट एक्स जब रॉड एक्स डिस्टेंस पर है तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड एसोसिएटेड वेन वेन द कंडक्टर इज एट एक्स जब यहां से एक्स डिस्टेंस पर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव क्या होगा फाइव आपको पता है बी ए होता है फाइव इजकअल टू बी ए बी ए कॉस थीटा तो थीटा यहां पर जीरो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और जो इस पर इस जो रेक्टेंगुलर क्वायल है उस पर भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो भी इन्वर्ट है तो तो थीटा की वैल्यू जीरो हो गया तो फाइव इज इक्वल टू तो आप क्या लिखेंगे बी ए के जगह पर सपोज ये जो कंडक्टर आप लिए हुए हैं इसका लेंथ क्या है एल है आर्म क्या है भाई एल है ये पूरा ए डिस्टेंस क्या है एल है सपोज तो फाइव इजक्ल टू तो बी इंटू ए ए के जगह पर क्या लिखेंगे x l into x, l एल इंटू तो दिस इंप्लाइज d phi by dt यदि आप चाहें तो d phi by dt को आप लिखेंगे b और l तो कांस्टेंट है यहां आपको लिखना पड़ेगा dx एक्स बाई डी टी डी फाइव बाई डी टी यदि आपको लिखना होगा डेल्टा बाई डेल्टा टी बी के जगह पर आप क्या लिखेंगे बी एल एक्स तो डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी और को कॉमन ले लीजिए बाहर ले लीजिए और यहां पर क्या हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो इस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को आप भी लिखेंगे तो हेंस डेल्टा डेल्टा इसको आपने लिख लिया बी एल और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को आप भी लिखेंगे एक्स बाई डेल्टा टी सिंस इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा थी ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो बट अकॉर्डिंग टू फेरॉडेला बट अकॉर्डिंग टू फेरॉडेला बट अकॉर्डिंग टू फेरॉडे बट बट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द रोडेज सेकेंड लॉ फॉडेज सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ के आंसर क्या होता है द ई एम एफ इंड्यूस्ड जो ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी तो ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू आ गया है बीवीएल इसको इक्वेशन वन बना लीजिए या इक्वेशन टू कर दीजिए माइनस बीबीएल ये कहां से फ्रॉम फ्रॉम टू तो ये ई इज इक्वल टू बीबीएल इसका मतलब क्या हुआ यदि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन देन द ई एम एफ इंड्यूस्ड देन ई एम एफ इंड्यूस्ड इज व्हाट? बीबीएल अब देखिए इफ आर इज माइनस है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ है माइनस है माइनस में तो आप उस समय इसमें ये इसका सिग्निफिकेंस है माइनस से तो माइनस आप लिखेंगे ही नाउ इफ कैपिटल आर इज द इफ कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल या सर्किट इफ इफ कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द द रेक्टेंगुलर क्वायल पी क्यू आर एस पूरा का रेजिस्टेंस क्या है इफ कैपिटल आर विद रेजिस्टेंस ये पूरा जो सर्किट बन रहा है यहां से यहां तक उसका रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस केवल लिख लीजिए इफ कैपिटल आर विद रेजिस्टेंस आप केवल लिख लीजिए द दफ द कंडक्टर आप लिख लीजिए जो भी जहां चार्ज मूव कर रहा है उसमें क्या है उसका रेजिस्टेंस है उसकेस में आई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई बाई आर तो आई इज इक्वल टू ई के जहां पर आई इज इक्वल टू ई के जहां पर आप क्या लिखेंगे बच्चों ई e के जगह पर लिखेंगे माइनस बीवीएल बाई आर तो ये हुआ आई इज इक्वल टू माइनस बीवीएल आई इज इक्वल टू माइनस बीवीएल बाई आर कितना करंट होगा माइनस बीबीएल बाई आर अब ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट कैसे आप निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट आई इज गल टू बीबीएल बाई यार ये आप रखिएगा नाउ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट कैसे निकालेंगे बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बाई फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है सुनो देखो ये राइट हैंड को आप लिख लीजिए इफ इफ वी स्ट्रेस्ट, स्ट्रेच द फोर फिंगर आप देख लीजिए स्ट्रेच स्ट्रेच द फोर फिंगर सेंट्रल फोर फिंगर ये देखिए फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड इन ए सच ए वे दैट फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देन द सेंट्रल फिंगर विल सो द डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस्ड करेंट आप लिखेंगे इफ स्ट्रेच स्ट्रेच द फोर फिंगर द फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड द थम्ब ऑफ लेफ्ट ऑफ राइट हैंड ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे इन सच ए वे दैट दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पर टू इच अदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अब देखेंगे इफ इफ फोर फिंगर सोज इफ द फोर फिंगर सोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर थम्प सोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर थम्प सोज द द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देन देन द सेंट्रल फिंगर विल सो देन

इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा क्या अब देख लीजिए आपको यहां पर इस फिगर में देख लीजिए राइट हैंड को हमने ले लिया सेंट्रल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थम्प शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट अब देख लीजिए थम्प विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ करेंट इट विल बी अपवर्ड फ्रॉम क्यू टू पी ये हो गया दिस विल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इंड्यूस्ड करेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा फ्रॉम क्यू टू पी ओके okay, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों लिख लीजिए अब ये फोर्स कितना लगेगा देखिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे इंड्यूस्ड करेंट का डायरेक्शन हम इंड्यूस्ड करेंट का डायरेक्शन हम लेंगे कैसे फ्रॉम राइट हैंड रूल और कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है उसका हम उसको हम कैसे निकालेंगे बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है तो नाउ व्हाट बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब यहां पर देखिए फोर्स नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर फोर्स क्या होगा फोर्स देखिए ए फिजिकल टू आपको पता है बी आई एल साइन थीटा तो थीटा तो यहां पर 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है और लेंथ क्या है इस डायरेक्शन में है तो बी और आई के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो बी आई के जगह पर अभी क्या लिखेंगे आई के जगह पर आपके आपको क्या था बीवीएल था ई बाई आर आई के जगह पर यही ना लिखे थे ई बाई आर इन टू एल तो एफ इज इक्वल टू बी ई के जगह पर माइनस बीवीएल बाई आर आया था माइनस आप ले लीजिए यहां पर इंटू एल तो एफ इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर भी एल स्क्वायर बाई आर ये फोर्स होगा यदि कंडक्टर को यदि कंडक्टर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहां पर राइट right डायरेक्शन में तो उसका जो माइनस साइन है उसको यह शो कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन भी के अपोजिट में होगा यदि कंडक्टर मूव कर रहा है राइट right डायरेक्शन में तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट होगा अब ऐसे आप निकाल सकते हैं देखिए हमने लेफ्ट हैंड ले लिया सेंट्रल फोर फिंगर सोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर सोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन थम्ब विल शो द डायरेक्शन ऑफ थम विट देन दम विल सो द डायरेक्शन ऑफ इफ देखिए यहां पर देखिए इफ फोर फिंगर सो इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर सोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट देन दम विल सो द डायरेक्शन ऑफ देन दम विल सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया दिस विल विरेक्शन ऑफ फोर्स फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन दिस विल विरेक्शन ऑफ फोर्स तो ऐसे हम फोर्स का हम फोर्स हम निकाल सकते हैं नाउ <coughs> कितना पावर डिसिपेशन होगा पावर डिसिपेशन क्योंकि करंट जब फ्लो कर रहा है और कंडक्टर में रेजिस्टेंस आ गया है तो वहां पर कुछ तो पावर का लॉस हो रहा है ना तो पावर डिसिपेशन एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेशन कितना पावर लॉस हो रहा है पावर लॉस के लिए पी इज टू आपको पता है आई स्क्वायर आर पी इज I टू आई स्क्वायर बाई आर पी आई की वैल्यू क्या था आई था पी वी एल ये तो ई एम एफ था बाई आर कर दिया ये करेंट था आई स्क्वायर इंटू आर तो स्क्वायर कर देंगे तो पी यहां पर क्या हो गया बी स्क्वायर भी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर क्योंकि आर स्क्वायर और इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये पावर लॉस हो गया कितना पावर लॉस होता है बी स्क्वायर भी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर और जब निगेटिव है उसका हम स्क्वायर कर दें तो वो प्लस हो गया यानी पावर लॉस में निगेटिव और पॉजिटिव की कोई बात नहीं है पावर लॉस हमेशा प्लस ही होगा चाहे करेंट का डायरेक्शन पी टू क्यू हो चाहे क्यू टू पी हो पावर लॉस हमेशा क्या होगा वो पॉजिटिव ही होगा तो इस ढंग से हमने पावर लॉस भी बता दिया अब <coughs> देखो बच्चों अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं कुछ क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं मान लीजिए सपोज कि कोई भी इफ ए कंडक्टर क्वेश्चन लिख लीजिए ए कंडक्टर इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज रोटेटिंग इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म uniform magnetic magnetic uniform magnetic field b in uniform magnetic field b is rotating in uniform magnetic field b with angular velocity with angular speed या एंगुलर वेलोसिटी जो भी कह लीजिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अबाउट इट्स एन एंड एक एंड के अबाउट घूम रहा है एक एंड के अबाउट क्या है रोटेट कर रहा है सोन इन फिगर फिगर भी बना दीजिए आई सोन इन फिगर क्वेश्चन लिख लेंगे फाइंड द ई एम एफ इंड्यूस्ड फाइंड द ई एम एफ इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स टू एंड दोनों एंड के अबाउट कितना ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा यह आपको फाइंड आउट करना है ओके okay, बच्चो क्वेश्चन आप लिख लेंगे हम फिगर बना दे रहे हैं अब देखिए समझ लीजिए हम फिगर बना दे रहे हैं देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फील्ड को थोड़ा और हम इधर लेते हैं सपोज दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा आप जानते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक रॉड है और ये रॉड रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए रॉड ओ ए है रोटेट कर रहा है ए से ए डैश पर आ गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा है डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा है किस वेलोसिटी से घूम रहा है भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अब देखिए इस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें रॉड घूम रहा है तो रॉड के घूमने का मतलब ये हुआ कि ये जो रॉड है कई लेंथ से मिल करके बना हुआ है एलिमेंट्री लेंथ है और जब ये लेंथ जब ये रॉड घूम रहा है तो एलिमेंट्री रॉड घूम रहा है तो ये एलिमेंट्री लेंथ भी घूम रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट है लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग हो जाएगी क्योंकि यहाँ का जो रॉड है उतने ही समय में कम डिस्टेंस चलेगा यहाँ का रॉड ज्यादा डिस्टेंस चलेगा यहाँ का वही एलिमेंट्री लेंथ उतना ही एलिमेंट्री लेंथ और ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है यानी कि वेलॉस्टी लीनियर वेलॉस्टी हर एक जगह अलग अलग है तो यहां से हम एक्स डिस्टेंस पर कोई यदि एलिमेंट्री लेंथ ले रहे हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पर कोई भी हम एलिमेंट्री लेंथ ले रहे हैं तो उसकी लिनियर वेलोसिटी क्या होगी आप रिलेशन पता है आपको भीजिकल टू आर ओमेगा आप सोल्यूशन में आ जाएंगे सोल्यूशन में आ जाइएगा द लीनियर वेलोसिटी द लीनियर वेलोसिटी कहिए स्पीड कहिए द लीनियर स्पीड ऑफ द ऑफ द एलिमेंट्री लेंथ द लिनियर स्पीड ऑफ द एलिमेंट्री लेंथ डी एक्स एट एक्स फ्रॉम ओरिजिन जो ओरिजिन है उससे हम एक्स डिस्टेंस पर जो एलिमेंट्री लेंथ लिए हुए हैं उसकी लिनियर वेलॉसिटी भी इज इक्वल टू कितना होगा आर उमेगा आर के जहां पर हम एक्स लिखेंगे एक्स इन टू उमेगा नाउ द ई एम एफ इनड्यूस्ड द ई एम एफ इंड्यूस्ड एलोंग

कहाँ से फ्राम इसको इक्वेशन वन बना लेंगे फ्राम वन वन से हमने बी के जगह क्या लिख दिया एक सौ मेगा लिख लीजिए तो यह तो केवल इंड्यूस्ड के होगा वो कितना होगा आपको बताया गया है तो वाट विफ इंड्यूस्ट अब टोटल ई एम एफ इंड्यूस्ड के लिए आप क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम जीरो टोटल ई एम एफ इंड्यूस्ड टोटल कितना ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए डीई बी ओमेगा एक्स डी एक्स कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे शुरू में एक्स की वैल्यू जीरो थी और कुछ समय के बाद एल हो गया इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वन डी बी ओमेगा कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का बाहर आप ले लीजिए एक्स डी एक्स है अब जिनको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया होगा हम इलेवेंथ का भी शुरू किए हुए हैं चैप्टर तो वहां से इंटीग्रेशन समझिएगा अब मोशन, मोशन इन, वहां पर हम इंटीग्रेशन समझा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन समझा रहे हैं और अभी तो डिफरेंसिएशन ही चल रहा है डिफ्रेंसिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे उसके बाद हम मोशन ही स्टार्ट करेंगे तो मोशन में हम थोड़ा सा कंपिटेटिव जे मेन्स का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो जो पढ़ना चाहेंगे वहां से भी पढ़ सकते हैं तो नाउ दिस ई इज इक्वल टू बी ओमेगा यहां एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टूएल्व अपर e omega omega, लिखेंगे एल एल स्क्स एक्स के जगह जीरो दीजिए तो ईज इक्वल टू बी ओमेगा एल होगा बच्चों बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू तो इस ढंग से ये जो ई एम एफ इंड्यूस्ट हुआ है जीरो और दोनों एंड के अगेंस्ट में अब अब सुनिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि यदि यही रॉड सेम अब फिगर आप चेंज कर लेंगे यही रॉड है यदि सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है अब देखो यही रॉड है मान लीजिए कि इसको हम रोटेट करा दिए क्या सेंटर के अबाउट रोटेट करा दिए पूरा लेंथ क्या था एल था सेंटर के अबाउट रोटेट करा दिए तो जब सेंटर के अबाउट रोटेट करा रहे हैं देन व्हाट विल बी ईएमएफ बिटवीन टू एंड्स तो देखिए मान लीजिए यहां पर ई एम एफ जीरो है सपोज यहां पर वोल्टेज जीरो है और यहां पर अभी आप निकाले थे कितना आया था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आया था तो इस एंड एंड के क्रॉस भी हो जाएगा बी ओमेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू इधर भी हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू अभी डिराइव किए हैं तो देन व्हाट विल बी व्हाट डू यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हाट डू यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स विल बी जीरो ये ध्यान में रखेंगे ये भी क्वेश्चन होता है कि यदि कोई भी रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलॉस्टी से रोटेट करा रहे हैं देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स टू एंड्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स विल बी जीरो एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड एंड तो सेंटर और एंड के जगह पर ये पूरा एल के लिए था यहां एल क्या था यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल था व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड एंड तो इस एल के जगह पर आप एल बाई टू लिख देंगे एल बाई टू का होल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द सेंटर एंड 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 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू बी ओमेगा बाई टू एल के जगह हम क्या लिखे बच्चे एल बाई टू का होल स्क्वायर कर दिए तो ईज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्ट बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट ये सेंटर और एंड के बीच में ये ई एम एफ होगा और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द टू एंडस वॉट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड आप देख रहे हैं इस एंड पर भी पोटेंशियल है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू और यहां पर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू तो पोटेंशियल डिफरेंस विल वॉट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो दोनों एंड के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो होगा ओके थैंक यू